नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आरसीपी सिंह के खिलाफ जेडीयू की तरफ से बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। बता दें आपको कि आरसीपी सिंह के पास संपत्ति पाई गई है, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस पर भरोसा करते हैं। ऐसे में आखिर आरसीपी सिंह ये गलत काम कैसे कर सकते हैं? बता दें आपको कि आरसीपी सिंह के पास जो संपत्ति की जानकारी पाई गई है, उसमें आरसीपी सिंह ने अपने द्वारा खरीदे गए जमीन और फ्लैट्स को अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के नाम पर किया है, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने आरसीपी सिंह को बकायदा एक लेटर भी लिखा है और इस लेटर में कई सारे सवाल आरसीपी सिंह से पूछे गए हैं। पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से देने वाले हैं कि आखिर आरसीपी सिंह के पास कहां कहां और कितनी संपत्ति पाई गई है और इस पूरे मामले को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने कितने सवाल आरसीपी सिंह पर दागे हैं। बता दें आपको कि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक खरीदी गई ज्यादातर जमीनें आरसीपी सिंह की पत्नी गिरिजा सिंह और उनकी दोनों बेटियां लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर है। एक आरोप ये भी है कि आरसीपी सिंह ने खासकर साल 2016 के अपने चुनावी हलफनामे में इसका जिक्र भी नहीं किया है। ऐसे में हम आपको वे 6 सवाल बताने जा रहे हैं जो आरसीपी सिंह से पूछने थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिसमें सबसे पहला सवाल है कि क्या नालंदा के सिर्फ 2 प्रखंड अस्थावा और इस्लामपुर में 2013 में अब तक करीब 40 बीघा जमीन आपने खरीदी है? दूसरा सवाल कि आपने क्या वाजिब आमदनी के बूते यह संपत्ति बनाई है? चूंकि पार्टी आपकी इस खरीद को अनियमितता के दायरे में लाई है। तीसरा सवाल है कि ज्यादातर जमीनें आपकी पत्नी और दोनों बेटियों के नाम पर है, आपने साल 2016 के चुनावी हलफनामे में इसका जिक्र नहीं किया, आखिर क्यों? चौथा सवाल है कि कुछ ऐसी जमीनें भी खरीदी गई है जो किसी ने किसी को दान दी थी और दान लेने वालों ने आपको बेच दी। पांचवा सवाल है कि किसी एक ने दूसरे से जमीन खरीदी और फिर कुछ दिनों में आपको दोनों बेटियों को आपने ये जमीन क्यों बेची? और छठा सवाल ये है कि कई संपत्तियों की खरीद के वक्त आपकी बेटी लिपि सिंह जो है वो अविवाहित थी, दस्तावेज में आपके सिर्फ आपकी पत्नी का नाम है, ऐसा क्यों? बता दें आपको कि इस्लामपुर अंचल के सैफाबाद मौजा में 12 और साथ ही केलवा अंचल में 12 फ्लैट खरीदे गए हैं। ये खरीद साल 2013 से 2016 के दौरान हुई है। ये फ्लैट लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर खरीदी गई है। 28 अप्रैल 2014 को चड़कावा के नरेश प्रसाद सिंह ने बेलधर बिघा के धर्मेंद्र कुमार को दान में जमीन दी। बाद में धर्मेंद्र कुमार ने यही जमीन लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर बेच दी। 4 सितंबर 2014 और 15 सितंबर 2014 के सिलवा के विशेश्वर साव ने 2 फ्लैट खरीदी और 3 दिन बाद यानी कि 18 सितंबर को ये दोनों फ्लैट लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर बेच दिए गए। ऐसे 2 और मामले हैं जिसमें 6 दिन और 8 महीने में दूसरे से खरीदी गई जमीन को खरीदने वाले ने लिपि सिंह और लता सिंह को बेच दी है। कुल मिलाकर 35 पत्रों में जमीन की खरीद और इससे जुड़े दूसरे विवरण मिले हैं। जेडीयू के दस्तावेज के अनुसार अस्थावा के शेखपुर मालती मौजा में 33 फ्लैट की खरीद हुई है। इसमें से 4 फ्लैट 2011-2013 में लता सिंह और लिपि सिंह के नाम पर खरीदे गए हैं। पिता के रूप में आरसीपी सिंह का नाम है। बाकी 12 फ्लैट गिरिजा सिंह और 18 फ्लैट लता सिंह के नाम पर खरीद गए हैं। महमदपुर में 2015 में 1 फ्लैट गिरिजा सिंह के नाम पर खरीदा गया है, वहीं 2011 में 2, 2013 में 2, 2014 में 5, 2015 में 6, 2017 में 1, 2018 में 3, 2019 में 4, 2020 में 3, 2021 में 6 और 2022 में 2 फ्लैट खरीदे गए हैं, जिसकी जो जानकारी है वो इस वक्त सामने आई है। ऐसे में जनता
जनता दल यूनाइटेड का साफ तौर से कहना है कि आरसीपी सिंह हमेशा ही सीएम नीतीश कुमार के भरोसेमंद रहे, उनके साथ ही रहे और लंबे समय से वो सीएम नीतीश कुमार के साथ में ही है। ऐसे में आखिर ये संपत्ति आरसीपी सिंह ने कहां से खरीदी है और अगर ये संपत्ति उन्होंने सही तरीके से अर्जित की है तो आखिर इसका जिक्र जो है वो हल्फनामे में क्यों नहीं किया गया। और यही वजह है कि कई सारे जो सवाल है वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किए गए हैं। लेकिन बता दें आपको कि इस वक्त जो जानकारी सामने आई है, जेडीयू ने जो पत्र आरसीपी सिंह को लिखा है उसमें सीधे सीधे ये सवाल पूछे गए हैं कि आखिर आपने इतने सारे फ्लैट कहां से खरीदे। कुल मिलाकर बात अगर हम करें तो 58 फ्लैट जो है वो आरसीपी सिंह ने खरीदे हैं और इन सभी फ्लैट को आरसीपी सिंह ने कुछ फ्लैट्स को अपनी पत्नी के नाम पर तो कुछ फ्लैट्स को अपनी दोनों बेटियों के नाम पर उन्होंने खरीदा है। और यही वजह है कि अब कई सारे जो सवाल है वो जेडीयू की तरफ से पूछे गए हैं और आगे जेडीयू आरसीपी सिंह पर कार्रवाई की भी तैयारी कर सकती है, इस बात की भी पूरी संभावना बन रही है। अब देखने वाली बात होती है कि एक तरफ जहां आरसीपी सिंह पहले ही जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार से दूर हो चुके हैं, ऐसे में पार्टी की तरफ से क्या कुछ एक्शन आरसीपी सिंह को लेकर लिया जाता है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।